गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपका 10 चैप्टर काल पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, सबसे पहले कि काल होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं। इसमें देखिए, पहले वाक्य में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। दूसरे वाक्य में कल वह आगरा जाएगा, और तीसरे वाक्य में बस चली गई। तो इन तीनों वाक्यों से क्या बोध हो रहा है कि काम हो रहा है, क्रिया जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया आपके पिछले चैप्टर में, क्रिया हो रही है, क्रिया हो गई, क्रिया होएगी और क्रिया हो चुकी, यानी कि काम हो चुका। तो इन्हीं से क्या पता चलता है काल का, यानी कि समय का पता चलता है कि कुछ काम जो है बीते हुए समय में हो चुका है, कुछ काम आने वाले समय में होगा, और कुछ काम अभी चल रहा है, ठीक है, कुछ क्रियाएं अभी चल रही है। तो बच्चों इन्हीं को क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है, ठीक है। काल का अर्थ होता है समय, काल का क्या अर्थ होता है, समय, ठीक है, जो टाइम बताता है। तो इसमें देखिए, पहले सेंटेंस में क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि काम अभी हो रहा है, क्रिया अभी चल रही है ना। इससे क्या पता चल रहा है, क्रिया अभी चल रही है, तो ये क्या होगा, ये होगा वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। इसमें देखिए दूसरे वाक्य में, कल वह आगरा जाएगा, यानी कि आने वाले समय में जाएगा, जब समय आएगा तब जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया भविष्य काल, ठीक है। और बस चली गई, यानी कि ये बीते हुए समय में हुआ है ये क्रिया, तो ये क्या होगा, ये भूतकाल, ठीक है। तो इन सभी वाक्यों में टाइम का पता चल रहा है, यानी कि क्रिया होने के समय का पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, काल कहलाएगा, ठीक है। जैसे खेल रहे हैं, जाएंगे, गई, तो ये सब जो है ये क्या है, समय का बोध करा रहे हैं, तो ये काल, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होगी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया आप लोग समझते हैं काम, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ है, काल का अर्थ है समय, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया आप लोगों को पता है क्या है, हमारे आप लोग अपने पिछले चैप्टर में देख सकते हैं, क्रिया क्या होती है, लिख रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जाएंगे, आएंगे, ये सब जो है हमारी क्रिया है। तो इन्हीं से क्या पता चलता है, समय का पता चलता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, काल कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे उसके भेद, काल के कितने भेद हैं, तो काल के तीन भेद हैं, ठीक है। एक तो वर्तमान काल, भविष्य काल,
बुधकर काल के तीन भेद है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बच्चों, वर्तमान काल का अर्थ होता है, देखिए वर्तमान काल का अर्थ होता है अभी का समय, यानी कि जो समय चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जो जिस समय में काम हो रहा है, जैसे कि वह क्रिकेट खेल रहे हैं, वह खाना खा रही है, वह बस पर चढ़ रहा है, तो ये सब कार्य जो अभी के समय का बोध करा रहा है कि ये काम अभी ही हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्तमान काल का अर्थ होता है अभी का समय। फिर आता है आप लोगों का भविष्य काल, यानी कि आने वाला समय, फ्यूचर में। ठीक है, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि वह कल अपने गांव जाएगी, वह कल पत्र लिखेगी, तो ये जो है आने वाले समय का पता करा रहे, तो ये क्या हो गया, भविष्य काल हो गया। फिर आता है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ होता है बच्चों बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है। ठीक है, जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो इसमें था आया है और ये बीते हुए समय का बोध करा रहा है, तो ये है भूतकाल। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो ये भी क्या, बीते हुए समय का बोध करा रहा है, तो ये भी भूतकाल है। ठीक है, तो भूतकाल बीता हुआ समय, भविष्य काल आने वाला समय, और वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है। अगर उसी समय में किसी क्रिया का होने का पता चल रहा है, किसी कार्य के होने का पता चल रहा है, तो वो वर्तमान काल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसके भेद पता चल गए, काल के तीन भेद है उनका अर्थ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वर्तमान काल क्या होता है, भविष्य काल क्या होता है। देखिए, जैसे कि पहला है वर्तमान काल, तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, क्रिया के, मैंने पहले ही बता दिया कि वर्तमान काल किसे बोलते हैं, जो समय चल रहा होता है, उसकी डेफिनेशन है क्रिया की जिस रूप से, यहाँ पे जिस आएगा, जिस रूप से उसके वर्तमान यानी कि चल रहे समय में होने का पता चले, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें क्या पता चल रहा है, कार्य अभी हो रहा है। ठीक है, इसमें क्रिया क्या है, ये है, और इससे समय का भी पता चल रहा है, तो ये क्या है, ये वर्तमान काल है। ठीक है, फिर आता है बच्चों आप लोगों का भविष्य काल। इसमें लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, आने वाले समय में क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चले, उसे भविष्य काल कहते हैं। फिर लास्ट है, आप भविष्य काल में ये लिख सकते हैं उदाहरण, जैसे कल वर्षा होगी, कल शाम अपने गांव जाएगा, ठीक है, इसमें क्या पता चल रहा है कि जो कार्य होगा वो आने वाले समय में संपन्न होगा। ठीक है, तो ये हो गया भविष्य काल। फिर आता है आप लोगों का भूतकाल। ये देखिए भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का
उसे उसे भूतकाल कहते हैं, ठीक है, काल कहते हैं। जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, कल स्कूल बंद था, जिसमें था, थे, थी या आए, तो क्रिया अंत हो इन्हीं शब्दों से तो उसे भूतकाल कहा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल क्या होता है, काल क्या होता है, काल के कितने भेद हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की बुक में काल और क्रिया बताया गया है, तो आप लोगों को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों में वाक्य बताए गए हैं, आप लोगों को अच्छे से ये रीडिंग कर लेना है, ठीक है। और जो नहीं समझ आता है वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर टाइम कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, तब तक आप लोग इसको रीडिंग करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।